सीपीयू फैन से रिलेटेड प्रोजेक्ट तो हम बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, लेकिन इसमें 4 वायर, 3 वायर और अलग अलग कलर के अलग अलग कंपनियों के सीपीयू फैन होने की वजह से हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, जो कि एडॉप्टर से उसका कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कंपोनेंट हो, हर कंपोनेंट में, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में एक सीक्रेट होता है। वो सीक्रेट को सिर्फ दुकानदार जानता है, यूट्यूबर जो अच्छा है वो जानता है, लेकिन वो दूसरे को बताना नहीं चाहता है। तो फ्रेंड्स, वो सीक्रेट क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको वो सीक्रेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। यहाँ से शुरू करते हैं। अगर ये एवीसी कंपनी का है, ये सुनॉन कंपनी का है, ये फॉक्सकॉन कंपनी का है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों फैन में आपको एक कॉमन बता देता हूँ, सुनॉन और फॉक्सकॉन दोनों सेम कंपनी है, एक ही कंपनी दोनों फैन को बनाती है, दोनों का मैन्युफैक्चरर एक ही कंपनी है, दोनों का माई बाप एक ही कंपनी है। तो आप कोई भी फैन ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ब्रांडेड है। और इधर आते हैं, ये येटलून कंपनी का है और ये डेल्टा कंपनी का है, ये भी डेल्टा कंपनी का है। सबके वायर के कलर अलग अलग हैं, कुछ फ़ैन के वायर्स एक हैं और कईयों के अलग हैं। सिर्फ एक वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूज़न हम दूर कर दें। तो एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ एक दो फैन को हम इस SMPS से चलाएंगे। मेरे पास एडॉप्टर भी है और ये SMPS है। ये SMPS जो है हमारा कंप्यूटर का है, डेस्कटॉप का है, उससे मैंने निकाल लिया है और इसको हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। और इससे कैसे चलाना है, हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। सिर्फ एक वीडियो आप देखेंगे, आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये हमारा गारंटी है, ये हमारा चैलेंज है। आपको सिर्फ एक ट्रिक मैं बता दूंगा, वो आपके लिए काफ़ी होगा और किसी भी फैन को आप इजीली चला सकते हैं। वो ट्रिक हम आपको इस वीडियो में कहीं भी बता सकते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखते रहें, हम आपको वो ट्रिक बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, जैसे ये हमारे पास दो फैन डेल्टा कंपनी का है, इसमें आप देखिए ये दोनों का वायर कलर अलग अलग है, कंपनी सेम है। देखिए ये इसमें डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है और ये इसका लोगो है, इसमें भी दोनों में सेम है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं इसमें आपको कॉमन बता दूं, ये जितनी भी मोटर है, सारी मोटर मेड इन चाइना है, सब ब्रांडेड है, अपने अपने में एक बड़ा ब्रांड है, बट सब मेड इन चाइना है। तो आप याद रखिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो होता है वो मेड इन चाइना होता है, उसके बाद थोड़ा कुछ मेड इन ताइवान हो जाता है, कोरिया हो जाता है, जापान हो जाता है, यही सब कंट्रियाँ ये सब चीज़ें जो है बनाती हैं, बट ब्रांड है, अपने में बड़ा ब्रांड है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप डोंट वरी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि सेम कंपनी है लेकिन अलग अलग कलर है, अलग अलग इसका वायर है। ये AVC अलग कंपनी है, इसका वायर अलग है, इसका एक वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया भी है, तो वो वीडियो आप देख भी सकते हैं। ये हमारे पास सुनॉन है, सुनॉन कंपनी का वायर देखिए, इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है, जबकि ये फॉक्सकॉन है, ठीक है, ये फॉक्सकॉन है, ये फॉक्सकॉन का वायर भी दोनों में डिफरेंस है। ये येटलून का है, इसमें सिर्फ दो ही वायर है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं आपको, ये ग्राउंड के लिए है और ये है 12 वोल्ट के लिए है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो आज हम एडॉप्टर का यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, एडॉप्टर को हटा देते हैं, क्योंकि हम ये SMPS यूज़ करने वाले हैं, तो SMPS ये सारा फैन को चलाएँगे। ये SMPS है, SMPS से कैसे चलाना है इसका एक सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगा फ्रेंड्स, वो आप भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कैसे चलाना है इससे, कहां से हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे वायर हैं, हमें कहां से 12 वोल्ट मिलता है, कैसे इससे हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारा आपको एक सेपरेट वीडियो इस SMPS में मिल जाएगा। ये हमारे पास एक बहुत प्यारा सा छोटा सा फ़ैन है, दो वायर का है, ये भी CPU कूलिंग के लिए है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं फ्रेंड्स, हम निकाल देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। हम बात करेंगे इस
पांच फैन पर, क्योंकि इन पांचों में चार चार वायर हैं। ये सारे फैन चार वायर के हैं, तो हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, पहले दोनों एक कंपनी के जो फैन हैं इसको दिखा देते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम कंपनी है, इसका वायर कलर अलग अलग है। तो हम इसको SMPS से चलाएंगे। उस SMPS से चलाने के लिए फ्रेंड्स ये हमें कट करना है, इसका जो ये कनेक्टर है इसको हम कट करके निकालेंगे। तो इसके वायर्स सारे अलग कर लेते हैं। तो हम इसको चला के दिखाते हैं कैसे चलाना है। इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, येलो और ब्लैक को एक में कनेक्ट कर देना है, ब्लू और रेड को एक में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें ये ग्राउंड है, ब्लैक वाला हमेशा ग्राउंड होता है, तो हम ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे SMPS से। कोई भी आप SMPS के जगह कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, एडॉप्टर ले सकते हैं या 12 वोल्ट की बैटरी भी ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम SMPS से चला रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। और ये हमने इसको कनेक्ट किया ब्लैक को ब्लैक से, याद रखिएगा। और ये जो बच्चा दूसरा वाला वायर है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फैन चल रहा है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करके एडॉप्टर से, बैटरी से, SMPS से या किसी भी चीज़ से आप चला सकते हैं 12 वोल्ट के एडॉप्टर से। ये देखिए अब हम बात कर लेते हैं डेल्टा ब्रांड के दूसरे मोटर की, जो थोड़ा इससे छोटा है लेकिन इसका वायर अलग है। इसका वायर का कलर जो है एकदम डिफरेंस है, अलग है। दोनों कंपनी सेम है लेकिन वायर अलग है। हाँ दोस्तों, एक मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। वो सीक्रेट ये है फ्रेंड्स, कोई भी दुनिया की कोई भी फैन हो, कोई भी CPU फैन हो, आपको इसमें इसका मॉडल नंबर गूगल पर जाकर लिखना है और सर्च करना है। गूगल के सर्च बार में जाकर आपको ये मॉडल नंबर लिखना है, जो भी मोटर का मॉडल नंबर है वो लिखने के बाद आपको लास्ट में लिखना है पिन आउट, मॉडल नंबर पिन आउट। इतना लिख के आप गूगल पे सर्च करेंगे, कोई भी मोटर का पूरा डिटेल्स आपको गूगल में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही सीक्रेट है, यही मैं आपको बताने वाला था। वीडियो को शुरू करने के टाइम मैंने आपको यही चीज़ बोला था, किसी भी CPU फैन को आप इजली इसका कैसे कनेक्शन करना है डॉक्टर से, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। बस आपको मॉडल नंबर डालना है और लिख देना है पिन आउट, ये ब्रांड का नाम के साथ पूरा फुल डिटेल्स आपको गूगल पे मिल जाएगा। कौन सा वायर ग्राउंड के लिए यूज होता है, कौन सा सेंसर है, कौन सा टेक्नोमीटर के लिए यूज होता है और कौन सा ग्राउंड है। ब्लैक वायर है हमेशा ग्राउंड के लिए यूज होता है, येलो 12 वोल्ट के लिए यूज होता है, ये ब्लू जो है वो टेक्नोमीटर के लिए यूज होता है, और रेड ये सेंसर के लिए यूज किया जाता है। तो आपको कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गूगल पे सर्च की लीजिए, मॉडल नंबर डालिए और पिन आउट लिख दीजिए, आपका पूरा फुल डिटेल्स उसमें मिल जाने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आपको ये दूसरा मोटर दिखा देते हैं। ये हो गया आपका, इसको किनारे रख देते हैं। मैंने इसमें ग्रीन को और ब्लू को एक में कनेक्ट कर दिया है, इसको कनेक्ट करके हमें किनारे हटा देना है। अब बचा एक येलो और ब्लैक, ब्लैक ग्राउंड, येलो 12 वोल्ट। तो हमें भी SMPS में सेम मिल रहा है, येलो जो है हम 12 वोल्ट के लिए यूज करते हैं और ब्लैक जो है वो ग्राउंड के लिए। तो हम ये किया और ये आपका फैन चल गया। ये देखिए इजली एकदम फैन घूम रहा है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक ये हो गया आपका। दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ आपको, ये डेल्टा का फैन और ये फॉक्सकॉन का फैन, दोनों कंपनी अलग है लेकिन देखिए इसमें दोनों का वायर
का कलर सेम सेम दिया है, आप देख सकते हैं एकदम इजली। दोनों का वायर कलर सेम सेम है लेकिन ब्रांड कंपनी अलग अलग है। तो फ्रेंड्स, दो फ़ैन को सीपीयू की एसएमपीएस से मैंने चलाकर आपको दिखा दिया। बाकी अलग अलग फ़ैन का अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो मैं बना के डाल दिया हूँ। अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल द बेस्ट।